हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान न्यूज में। यहाँ पर आपको देश के विभिन्न भागों में होने वाले मौसम की जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 24 घंटों के लिए भारत के विभिन्न भागों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में देश के विभिन्न भागों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में 2 फरवरी को वर्षा हो सकती है। ये दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय को इलाके को 6 फरवरी को प्रभावित करने की संभावना है। वर्षा की चेतावनी जो दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में अगले 48 घंटों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, मुजफ्फराबाद में अगले 3 दिनों तक वर्षा और बर्फबारी की पूर्वानुमान लगाया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक 15 से 25 किमी की गति से स्थायी हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ और उससे उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी हिमालय के इलाकों में 2 से 4 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। इन्हीं इलाकों में 3 फरवरी को ओलावृष्टि होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के इलाकों में 2 से 4 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग इलाकों में 3 से 4 फरवरी को आंधी, तूफान और वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के इलाकों में न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश के दक्षिण इलाकों में, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 24 घंटों में अगले शीतलहर का पूर्वानुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रात्रि और सुबह के समय कोहरा छाए रहने के पूर्वानुमान जताया गया है। धन्यवाद।